कि मुझे राइट साइड पे क्यों दर्द हो रहा है। हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी, पेन हो रहा है मेरे को नीचे। मैं अंदर जा रही हूँ एक बार, पता लगा भैया प्रेग्नेंट है, क्या हो जाए क्या नहीं। कह रहे कि आप वेट करो, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 3 और पायल की ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। आधे घंटे से ना उसको राइट साइड पे पेन हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा पेन नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, बट पेन हो रहा है, कंटिन्यू पेन हो रहा है। और साथ साथ ना बेबी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही है और वॉमिट जैसा भी लग रहा है। तो जस्ट अभी डॉक्टर को कॉल करा है जहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है कि मैम है, तो उन्होंने बोला कि आप फटाफट आ जाओ, मैम है। तो पायल गई है चेंज करने के लिए, अभी मैं भी निकल रही हूँ पायल के साथ हॉस्पिटल। एक काम कर, तू घर लगे, मैं लेके जाता हूँ। नहीं मैं साथ चल रही हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, जो टेंशन और गोलू को और मतलब पायल को वोमिटिंग है, तो बस ये तो अच्छा है कि डॉक्टर बैठे हुए हैं। डॉक्टर बैठी, डॉक्टर हमेशा बैठे होते हैं। चलो तो परेशान होते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसे रोने वाली शक्ल बना लेते हैं। एक मिनट जा कर लेके 2 मिनट में चल। पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, उस टाइम में परेशान हो गई थी। अभी गोलू ने मतलब पायल ने पढ़ा है कि ये फेक लेबर पेन होता है, फिर भी मैं रिस्क लेना चाहता। बाकी पायल बताइए। मैंने गोलू सो गई थी, मैंने नहीं वॉलेट की जरूरत नहीं है, मैंने गोलू सो गई थी, मैंने पढ़ा कि मुझे राइट साइड पे क्यों दर्द हो रहा है, फिर मेरे को समझ नहीं आया वो वाली लैंग्वेज, फिर मैंने गोलू को उठाया तो गोलू ने पढ़ाया कि वहाँ पे कुछ लिखा था ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शन, मुझे भी समझ नहीं आया। बट देखो इतना ट्विन प्रेगनेंसी है ना, हम रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। अगर हल्का सा भी पेन है तो कुछ ना कुछ रीजन होता है पेन का, डॉक्टर इसको देख लेगा ना तो टेंशन फ्री होगी ये भी और हम भी। ये सर्दियों में बंद हो गए थे पायल, बंद कर, अब इन्होंने सर्दियों में बंद कर दिए थे, गर्मियों में चालू करे हैं। कैसा सर चुपता है, क्या लगता है? पेन हो रहा है मेरे को नीचे, पहले जहाँ मैं दिल्ली में थी। कोई बात, इंजेक्शन लग जाते, पेन किलर लगवा ले। अरे पता क्या, डॉक्टर भी नहीं मिल पा रही ना, मैं 3 बार चले गए। हम तो आपको पता है हमारा 3रा दिन था आज हॉस्पिटल का, डॉक्टर नहीं मिल पा रही। हम जाते हैं, बेटे का एग्जाम चल रहे, हम जाते हैं ना वो उठ जाते हैं, हम जाते हैं वो उठ जाते हैं। 3 आज 4th दिन है कल, इसलिए कल सुबह नौ डॉक्टर होता, नहीं बोल सकते हम कुछ। चलो यार गाइस, सबसे बड़ी बात क्या है, गुड लक की है कि डॉक्टर ना हॉस्पिटल के ऊपर ही रहती है, और अभी मतलब लगा लो हॉस्पिटल से मतलब ऊपर से नीचे आएगी, अच्छी बात है बहुत ही। मुझे लगता है अपना 2 महीने रह गया, अब ना तुम्हारा ना बिल्कुल ट्रैवल ना बिल्कुल 0 माइनस कर दो, सीढ़ी से भी नीचे मत उतरो पायल, ठीक है ना। पायल के 2 महीने रह गए, मेरा 1 महीना रह गया। पहले ना 10-10 बच्चे हो जाते थे, पता नहीं लगता था, आज के दिन एक बच्चा पैदा करना भी ना ऐसा लगता कि पता नहीं कौन सी जंग जीत ली। नहीं आजकल का बेटा माहौल ऐसा हो गया, खान पीन ऐसा हो गया, बहुत मुश्किल होती है। पहले की औरतें सारा दिन काम करती थी, खेतों में काम करती थी, डिलीवरी भी हो जाती थी, खाना इतना अच्छा होता था, अब मिलावट है। अब तो ऐसे बिठाना पड़ेगा गंदे को। तो गाइस 3 बज गए, यहाँ की घड़ी में हो गए 3:30, 3:10 हो गए। कितना वेट हो गया? मेरा प्रेगनेंसी शुरू की थी 12 किलो बढ़ गया, 64 पे शुरू की थी। मैं देखो जब प्रेगनेंसी शुरू हुई थी तो मेरा था 81 किलो, चप्पल उतारना चलता, 2.5 किलो बढ़ गया मेरा भी। स्ट्रेस है ना दिमाग में, जल्दी जल्दी चीजें हुए प्रेगनेंसी टाइम से हुए, मतलब और बहुत सारी चीजें हैं। मैं अंदर जा रही हूँ एक बार, पायल बोलेगी हाँ वो अंदर चेकअप कर रहे हैं ना, अभी यहीं बैठो। भाई आज के दिन हमें लगता है कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है ना, कोई भी जैसे गोलू पायल वैसे हमारी बात है, बहने बहुत सारी है, 9 महीने तक ना हॉस्पिटल ना घर बन जाता है, आपको कभी भी जाना पड़ता है, टाइम पे इंजेक्शन टेबलेट विटामिन बहुत सारी चीजें होती है। और मुझे लगता है कि जब हम पैदा हुए थे ना तब कुछ नहीं था, पता लगा भैया प्रेग्नेंट है, 9 महीने बाद हम आ जाते थे। आज के दिन ऐसा नहीं होता, आज के दिन तो भैया कुछ नहीं होता, क्या हो जाए क्या नहीं। हाँ भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो कह रहे कि आप वेट करो। बाहर भेज दिया तो भैया सामने लिखा है गर्भ से गोद तक, यहाँ से आप गर्भ लेके आओगे और गोद से लेके जाओगे, मतलब इसका मतलब है जब आप गर्भवती होते हो तब से लेके जब तक हम आपको बच्चा पैदा करके नहीं दे देते, यानी कि डिलीवरी नहीं दे देते, तब तक आपको हॉस्पिटल आना जब हम बुलाएंगे। क्या बोला? दवाई लेने के लिए बोला उनकी केमिस्ट बंद है, हमें केमिस्ट देखने, मतलब दूसरी फार्मेसी जहाँ पे ओपन है ना वहाँ से लेनी पड़ेगी। मुझे पता कहाँ पर आना, बोले इंजेक्शन लेना तो इंजेक्शन ले लो, नहीं तो दवाई ले लो, जैसे दिल्ली में हमने इंजेक्शन लगाया था। लेगा ना इंजेक्शन, मैं लगा दूंगा। तो दवाई मैंने ले ली, गाड़ी में ही ले ली थी क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था, और डॉक्टर ने बोला यही वाली दवाई है आपको लेनी है, इंजेक्शन की जरूरत, ज्यादा ज्यादा सीवियर हो जाए ना तो आप हॉस्पिटल में आके इंजेक्शन लगवा लेना। 4 बजे आते आते तो सुबह के बज गए 10:30, तबीयत थोड़ी सी खराब है,
मैंने अपने भाई ब्लड टेस्ट वाले को बुला लिया घर पे, तो बस अभी ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, शाम को रिपोर्ट आएगी, देखते हैं कि क्या कुछ हालत है। तो गाइज अभी लक्ष्य आई है मेरे पास और ये कह रही है मैं बहुत परेशान हो गई एक आदमी के खराटों से, तो मैं आपको उसके खराटे सुना देता हूँ। आज तो जो खराटे आपने सुने ना ये -1% थे, जब बाहर बैठा था ना, जब अंदर इतने जोर जोर से खराटे आ रहे थे, जैसे मैंने कैमरा लगाया ना खराटे बंद हो गए, बताओ क्या बात है ना। तो फाइनली गाइस मैं हो गया हूँ रेडी जिम के लिए और मेरे साथ जा रही है अशिता मलिक। ये चेहरा आपने देखा ही होगा दो बारी वीडियो में पहले भी। तो यहाँ पर हमारे भाई आ गए हैं ABP से, तो आज हमारे साथ ही जाएंगे जिम में और करेंगे बहुत ही खतरनाक वर्कआउट। थोड़ा शेड्यूल पता लग जाएगा उनको मैं करता क्या। यहाँ पर गोलू और पायल भी उठ गई है। तबीयत कैसी है? ओके रिपोर्ट है। किस वजह से हुआ था? मेरे को किस वजह से हुआ था? होता है, मेरे को पिछली बार नहीं हुआ था, किस वजह से हुआ था वो नहीं पता चला। तो ही कहना तभी। ओके रिपोर्ट है। तो गाइस आज पहुंचे हैं ABP की पूरी टीम घर पे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे वार्तालाप करेंगे, बहुत सारे इंटरव्यू करेंगे, बातें होने वाली है। और एक चीज और है, आपको बताइए, किसी ने एक ट्वीट कर दिया था, उस ट्वीट का भी आज जवाब देंगे। नाम पे कंट्रोवर्सी हो रही है, उस कंट्रोवर्सी को क्लियर करेंगे आज खुल के। तो गाइस आज हमने ABP की न्यूज रिपोर्टर को हायर कर लिया है पूरे दिन के लिए और बता नहीं सकता हमने क्या चार्जेस दिए। हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या होने वाला है आज? आज अडे विद अरमान मलिक करेंगे हम, और साथ ही अरमान मलिक को लेकर हो रही कंट्रोवर्सी पर भी हम बात करेंगे। पूरा दिन हम अरमान मलिक के साथ है, तो मेरे क्वेश्चन का पिटारा जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो आज मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे को पूरा अपना दिन दिया है, तो सारे सवालों का जवाब देंगे। अपने नेटवर्थ के बारे में भी बात करेंगे, तीसरी बीवी के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं जिम। अरमान मलिक आपको बता दें 170 kg हुआ करते थे, अब फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं, डाइट उन्होंने चेंज कर ली है, फिटनेस को लेकर एंथुसियास्टिक हो चुके हैं। किस तरह से ये अमेजिंग बॉडी बनाई है खासकर अपने वीडियोस के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए, और फिटनेस की तरफ जो तो ये चुप नहीं हो सकते, अगर ये कंटिन्यू मुझे लग रहा है 10 दिन बोल सकते हैं। तो ये क्वालिटी है कमाल की क्वालिटी। ABP वालो थैंक यू यार, तुमने बहुत ही खतरनाक आर्टिस्ट रखे हुए हैं। फाइनली गाइस कार्यक्रम शुरू हो गया, गिम्बल विम्बल लगा लिया। आज मेरा किस्मत है मेरी कि आज गिम्बल से शूट हो रहा है मेरे चीज से, और यहाँ पर ABP से आए हैं, तो ऑफ कोर्स गिम्बल विम्बल सारे सेटअप हम अच्छे खासे टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड लेकर ही आएंगे कि किसी चीज की दिक्कत ना हो। और हमारे साथ स्टार है, तो हम चाहते हैं हमारे कैमरे में वो अच्छे से कैप्चर। तो मैंने बोला था कि भैया हमारा कैमरा यूज कर लो, हमारे कैमरे की किस्मत भी खुल जाएगी, तो ये बोले नहीं हम सिर्फ ABP का कैमरा यूज करते हैं, आपके कैमरे पता नहीं क्या हो या ना हो। जट दे डोलिया च जान है, तो हमारे साथ जुड़ चुकी है, ये चेहरा पहचान का मोहताज है, ये है शीता मलिक। आ जाओ बेटे। तो गाइज मैं बहुत दिनों बाद वर्कआउट कर रही हूँ आज, तो मैं आज करूँगी मिक्स, किसी एक बॉडी पार्ट को ट्रेन नहीं कर रही, पूरी बॉडी को। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. हाँ जी सर, तो रेडी हो? बिल्कुल। चलो फिर कर देते हैं इंटरव्यू शुरू। तो भैया रोड का माइक लग गया है, तमन्ना थी कि कोई आए और रोड का माइक लगाए। We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. वर्कआउट डन, थोड़ा ऐप्स करेंगे और छोटे मोटे टेक ओवर दे देंगे। भैया आज क्लास लगा रखी है इन्होंने हमारे। सो गाइस ये वाला इंटरव्यू बहुत ही जल्दी ABP पे दिखने को मिलेगा, बाकी बताएंगे आपको ABP के कार्यकर्ता। कब आएगा ये?
ये वीडियो कम से कम अभी हमें चाहिए होगा एक वीक, क्योंकि इस वीडियो को हम थोड़ा और ही बेहतरीन बनाएंगे। जितने शॉर्ट्स हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, अच्छा खासा जो भर के जा रहे हैं, उन शॉर्ट्स को जब टाइमलाइन में वो शॉर्ट्स जाएंगे तो एक कुछ सुंदर सा बहुत ही अमेजिंग सा बनने वाला है। और आपको इनके पूरे एक घंटे का जो फिटनेस रूटीन इनका क्या है, क्या डाइट लेते हैं, कौन से बॉडी पार्ट को वर्कआउट करवाना इनको ज्यादा पसंद है, ट्रांसफॉर्मेशन कौन से पीरियड से आया, अब सोशल मीडिया पे इनके गाने के नीचे इनके एप्स की जो बातें होती है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस कुछ नहीं, साइड स्प्लिट है, आपको यूएस लेना है, नेक्स्ट बोल रहे हैं, वेरी गुड, 15 अब आपकी बारी का बात, अरे थोड़ा सा ट्राई तो करो, तुम कर सकते हो। तो भैया फाइनली इंटरव्यू हो गया है, घर जाकर कुछ खाते हैं और इतना वर्षा भी आराम कर ले। अरे भैया हमने कह रहा ये कैसे थक जाएंगे, मैं देखते देखते थक गई। मेरे घर लाए मेहमान आ रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है दोपहर का लंच, लंच में बन रहे हैं काबुली छोले, मैंने रात को भिगोए थे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइस ऑलरेडी बन चुके हैं, यहाँ पे बन रही है मलाई का घी, और यहाँ पे जो है छोले का तड़का बनाने का सामान है, यहाँ पे चीकू के पापा का सैलेड बन रहा है, सैलेड के जो सामग्री है वो यहाँ पे रख चुकी है उबलने के। आलू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि आलू का रायता बना लेती हूँ, पर सब लोग पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। एक काम करियो, ये थोड़ा सा आलू का रायता हमारे बना दियो, बाकी बूंदी का रायता बना दियो, बूंदी रखी है ना। गाइस आज ना पूरे हमारे यहाँ पे पूरे एरिया की जो है पावर कट हो रखी है, लेकिन शुक्र है लक्ष्य का, उसने मतलब सुबह सुबह उठते गीजर लाया था, तो यहाँ पे पानी गर्म आ रहा है, मैं इसी से नहा लूंगी। ये जो बंदर है ना, पहले बंदर बाहर लगा रखे थे लेकिन ये स्पेस खाली था तो हमने ये बंदर यहाँ लगवा दिए। बस अब मेरी पार्टी बनने वाली है पानी की, मैं आ रही हूँ नहाने। और सुबह सुबह ना मेरे हिसाब से 6 बजे के करीब ना बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बहुत तेज हवा, तो मैं जब उठ के देखा ना तो बारिश हो रही थी, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो हमारे कपड़े है ना, अगर ये बारिश की स्मेल हो रही होगी तो एक बार रिंस कर देती हूँ उनको। तो गाइज यहाँ पे ना मेरे दवाई का टाइम हो गया है, दवाई के बिना तो ऐसा लगता कुछ है ही नहीं, एकदम दवाई याद रहती, क्योंकि 8 महीने हो गए दवाई खाते खाते ना। और जो हमारी आयरन कैल्शियम है ना, डॉक्टर ने बोला वो भी कंटिन्यू रहेगी आफ्टर प्रेगनेंसी भी ना, 3-4 महीने तक कंटिन्यू रहेगी। तो इस ड्रॉअर को ना जितना मर्जी बार सेट कर दो, मैं अपना सारा सामान ना उन जगहों पे रखती हूँ, जैसे फाउंडेशन यहाँ नहीं होता, परफ्यूम सारे सेट करती हूँ, दवाइयाँ एक जगह करती हूँ, पर कोई भी कभी कुछ भी यूज कर लेता है। तो आज ना मैं और पायल ये रेड और ग्रीन वाला कॉट सेट पहनने वाले, जब पहनेंगे ना तो दिखाऊंगी, बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो गाइज ये जो बिंदी वाला बुक है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसमें ना हर एक साइज की बिंदी है और सारे कलर्स की है, इसको कैरी करूँ ना तो ये बहुत अच्छी लगती है। देखो व्हाट इज दिस, लंच कंप्लीट नहीं किया आपने फिर आज, थोड़ा सा बच गया बेटा, क्यों थोड़े से चावल दिए थे, अब आप आते शरारते कर रहे हो, पहले चेंज करो कपड़े, चेंज कर दूं। तो अभी अभी ना एक पार्सल आया, तो पायल ने मंगवाया है पैक का मेकअप फिक्सर, जो कि हम लोगों ने यूज करा हुआ है, मैंने और पायल ने, बहुत अच्छा है, इसका जो स्प्रे है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम मेकअप फिक्सर लेते ना, उनका जो स्प्रे होता है ना वो पैच बना देता है फेस पे, ऐसे डॉट डॉट से बना देता है, बट ये बहुत अच्छा है। तो गाइज मैं आ गई हूँ टेरिस पर और प्लांट्स को पानी डालने के लिए आ गई हूँ, मैंने एक ब्लॉग में बोलते थे प्लांट्स को पौधे डालने आ गई हूँ, तो आप लोग बड़ा हंस रहे थे, गलती से मुंह से कभी कभी निकल जाता है। और मैं ना पर्सनल ना सारे प्लांट्स को बहुत ध्यान दे रही हूँ, पिछले एक हफ्ते से, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं प्लांट्स को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि जब तक खुद ध्यान नहीं दोगे ना तब तक ना चीजें सही नहीं होती। तो एवरी डे मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं छत पे आती हूँ और प्लांट्स को देखती हूँ। तो हमारे जितने भी प्लांट्स है ना सब इतने मजेदार हो रहे हैं ना, बस इनको रोज पानी डाल के ना एकदम हरा भरा कर दूंगी। महाराजा जी आपको ट्यूशन जाना है, सर आप नीचे चलो, आपको लंच करवा के ट्यूशन भेजना बेटा। हाँ जी नहीं बेटी, ऊपर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है अभी, अब नीचे चलेंगे, मम्मा से प्लांट्स के लिए आई थी, चलो नीचे इकट्ठे खाना खाते हैं। मम्मा सुनो, जैसे ही जाएंगे ना थोड़ी देर में स्कूटर जाऊंगा, प्लीज। ठीक है थोड़ी देर में चले जाना, क्योंकि चीकू देखो अभी अभी गाइस स्कूल से आया है, और कल रात को ना हम लोग इतना ज्यादा ना लेट हो गए थे, मैं और पायल तो चीकू आपको पता है कल पायल मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, हम हॉस्पिटल गए थे, मम्मा के पेट में दर्द हो रहा था, आप सो रहे थे, फिर आपको छोड़ के आपको लक्ष्य दीदी के साथ सुला के फिर हम हॉस्पिटल गए थे, फिर आ गए थे। तो गाइस रात को 4 बजे सोए हैं, फिर सुबह इसके लिए स्कूल के लिए उठे थे, और आज तो ऐसा हो रहा है जैसे नींद पूरी नहीं हो रही और आंखों में ना नींद सी आ रही है। हाँ बेटा फैंसी ड्रेस में, झूठे बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो, मैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाऊंगी तू देखता रहियो। तो गाइस बस अब जा रही हूँ नीचे, क्योंकि पायल का भी शावर हो गया होगा, मैं जाकर शावर लेती हूँ, रेडी होती हूँ, और रेडी होने के बाद बहुत सारे काम है आज, वो भी काम निपटाते हैं, और आज एक बहुत जबरदस्त हमारा इंटरव्यू भी है, उसकी जो डिटेल्स है मैं आपको आगे दूंगी। तो गाइस मेरा नहाना धोना हो गया, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, मेकअप भी
मैंने कर लिया है और ये मैंने जो कोट सेट मंगाया ना कंफर्टेबल सा टीजन मोड से मंगाया और इसका जो साइज है ना बिल्कुल परफेक्ट आया है मुझे और ये आगे मतलब 9 महीने तक भी मुझे आ जाएगा तो ये मंगाया मैंने। तो ये कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा स्टफ है इसका और बहुत ही कम्फर्टेबल है। तो गाइस मेरा भी शावर हो गया डन और मेकअप कर लिया रेडी हो गई और ये जो कोट सेट पहने ना बहुत ही कम्फर्टेबल है, कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है, हमको दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो ये है बहुत ही कम्फर्टेबल है और आजकल ना मैं काजल लगा रही हूँ और काजल लगाना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले क्या करती थी मैं रोज काजल लगाती थी और अब क्या लैशेस की वजह से ना लाइनर लग नहीं पाता क्योंकि लैशेस होती है तो लाइनर की नीड नहीं होती। तो मैंने सोचा ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है, कॉर्सेट पहना है तो साथ में ग्रीन काजल लगाती हूँ, तो मैंने ग्रीन काजल और आई शेडो दोनों लगाई। तो गाइज अभी ना पायल की शुगर चेक करिए आफ्टर लंच की तो 120 आ रही है, तो आप लोग कमेंट में बताना कि शुगर ये ठीक है कि नहीं है क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है कितनी होनी चाहिए। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं।